राव आरती सिंह शूटिंग में एशियन चैंपियन रहीं। 20 साल तक निशानेबाजी की, अब सियासी मैदान में विरोधियों पर निशाने साध रही हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान है, दक्षिणी हरियाणा के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की राजनीतिक वारिस। दादा राव वीरेंद्र सिंह 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और पिता राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं। इलाके में इनके परिवार के सियासी दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अटेली में मौजूदा बीजेपी विधायक सीताराम यादव का टिकट काटकर आरती राव को टिकट दिया गया है। अब सीताराम यादव आरती राव के लिए वोट मांग रहे हैं। 5 साल तक लगातार आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का आपने मौका दिया था, मैंने कोशिश भी की, और अगर कोई छोटी मोटी कोई मेरी तरफ से कोई गलती भी रहेगी तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। और आने वाले समय में बहन जी हमारे जो पाइपलाइन में जो काम है उनको सबको पूरा करने का काम करेंगी। जब बेटी चुनाव लड़ रही हो तो पिता राव इंद्रजीत कैसे दूर रह सकते हैं? उन्होंने रेवाड़ी में डेरा डाल रखा है। बेटिया चुनाव पहली बार लड़ रही है, खुद के लिए तो वोट पहली बार मांग रही है, लेकिन अनेक इलेक्शनों के अंदर, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अनेक प्रत्याशियों के लिए उसने मेरे हलके के अंदर और महेंद्रगढ़ भिवानी हलके के अंदर औरों के लिए वोट मांगे हैं और उन्होंने जिताने के अंदर अपना सहयोग भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि 10 साल का ये जो परिश्रम था मेरी बेटी का, जो पार्टी के डिसिप्लिन तौर के ऊपर, एक सिपाही के तौर के ऊपर वो बाकायदा तैनात रही, तो उसका फल आज के दिन उसको मिल गया है और वो जीतेगी। विरोधी दल के पास और कुछ कहने को नहीं है, ना मेरे कभी परिवार पे कोई दाग लगा है, ईमानदार रहे हैं और हमारे निष्ठावान रहे हैं और हमेशा लोगों के लिए काम किया है, और पूरे दक्षिण हरियाणा में मेरे परिवार का एक जो नाम बना है, इसलिए बना है क्योंकि हमने हमेशा लोगों की बेहतरी और उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी है। अब आज के दिन विरोधी दल के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो ये लेके बैठे हुए हैं कि देखो इससे मुलाकात करनी मुश्किल होगी। मैं आप सभी को बस यही आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, अटेली के सभी सभी लोगों को, कि मैं आप सभी के बीच रहूँगी और आप सभी का के दुख सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूँगी। कनीना और अटेली में ऑफिस खोलूँगी और जो लोग आपको ये नसीहत दे रहे हैं उनका बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ है, तो इनकी बात बिल्कुल ना सुने। अटेली से करीब 40 किलोमीटर दूर राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह के बेटे चिरंजीव राव चुनावी प्रचार से पहले अपने समर्थकों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। चिरंजीव दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले चिरंजीव राव के पिता कांग्रेसी हैं और ससुर समाजवादी। वो बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। इसलिए कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी पूरा समर्थन है, लेकिन चिरंजीव की निगाहें इस बार डिप्टी सीएम के पद पर टिकी हैं। से बीजेपी यहाँ पर रही है, उसने हमारे यहाँ के नेताओं को नेतृत्व नहीं दिया, और वो नेतृत्व देते तो लोगों के काम होते, विकास होते, और हमारे इलाका जो पिछड़ गया पिछले 10 सालों में, तो लोगों की एक मांग है, एक ज़रूरत है कि इलाके का विकास तभी हो सकता है यहाँ जब इलाके को ताकत मिले। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को ताकत मिले, हमारे इलाके के अंदर विकास हो पाए, और ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, या बनाना भी है या नहीं बनाना। दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। ये इलाका हरियाणा का डार्क जोन माना जाता है। यही वजह है कि नहरों में पानी, अग्निवीर और सड़क जैसे मुद्दों पर लोग मुखर होकर बोलते हैं। बीजेपी हर साइड से सही है, हर साइड से सही है। कैसे? जैसे मान ले भाई, पहले खातो नहीं खोला करता, जैसे मान ले कांग्रेस के में, अब छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है तो उसका यानी कि आधार कार्ड, बैंक कॉपी, उसकी पूरी डिटेल दी जाती है, और कांग्रेस में सारी लुपा लुपी रहा करती है। बच्चों को भी सम्मान है, लड़कियों को भी सम्मान है। हाँ, पोर्टल चलाया है, पोर्टल सबकी भी ऑन पोर्टल कर दिया भाई, वोटी पोर्टल से मांगे ना तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ, इन्होंने को पोर्टल से वोट मांगो। हाँ, नहीं, हमें परेशान कर दिया हर आदमी। कैसे?
सारा लाइन में लगे रहे सब दिन, आधा राव साहब लगा दिया गेहूँ आम लाइन में बाजू लेन गेहूँ लेन सारा भटका दिया, वोटा ही मारी सब कुछ नहीं करे, काम कोई नहीं करे, बकवास करे देख लो तुम काम घोषित करे बस घोषणा घोषणा करते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई मजबूत सियासी परिवारों के बेटे और बेटियां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दक्षिणी हरियाणा के मतदाता इन सियासी परिवारों के इतिहास को देखेंगे या इन प्रत्याशियों के वर्तमान को? इसका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। रेवाड़ी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।